की अवहेलना, विडंबना, सरकार का अहंकार तो देखिए। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद में चुनावी रैली करने तो जा सकते हैं, पर वो दिल्ली के बॉर्डर पर 15 किलोमीटर दूर जाकर देश के लाखों किसानों से बात नहीं कर सकते। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर लाखों किसानों को जो दिल्ली के चारों तरफ अपनी रोजी रोटी मांगने के लिए करहा रहे हैं, उन्हें आतंकी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके मुख्य प्रवक्ता अमित मालविया लाखों किसानों को जो अपना अधिकार मांगने आए हैं उनको आतंकी और खालिस्तानी बताते हैं। मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार मिलकर शांति प्रिय और गांधीवादी तरीके से अधिकार मांगने वाले किसानों पर 12,000 मुकदमे दर्ज कर लेती है। देश के कृषि मंत्री और देश के गृह मंत्री ये तारीख रख देते हैं कि चिलचिलाती सर्दी के ठिठुरती सर्दी के अंदर सड़कों पर बैठे लाखों किसानों से 3 दिसंबर तक बातचीत भी नहीं होगी। देश के गृह मंत्री, देश के कृषि मंत्री के पास 5-5 दिन तक अहंकारी सरकार के दरवाजे पर दस्तखत देकर अधिकार और रोटी मांगने वाले किसान के लिए समय नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो हद ही कर दी। गृह मंत्री और कृषि मंत्री किसानों से वार्तालाप का स्वांग करते हैं और आज मन की बात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती विरोधी तीनों काले कानूनों को सही ठहराते हैं। जब देश का मुखिया, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी ही इन तीन काले कानूनों के समर्थन में आ खड़े होंगे तो बातचीत किससे होगी, कैसे होगी और उस बातचीत का फायदा क्या होगा? दोस्तों साथियों, असल में मोदी सरकार का मूल मंत्र है किसानों का शोषण, पूंजीपतियों का पोषण, किसानों का दमन, पूंजीपतियों को नमन। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में अन्नपूर्णा माता की चर्चा की। मोदी जी क्या अन्नपूर्णा की देवी आज कराह नहीं रही होगी जब अपने लाखों करोड़ों देश के 62 करोड़ उसके बच्चों, किसानों और मजदूरों को सड़कों पर हाहाकार करते हुए देख रही होगी? सच्चाई ये है साथियों कि मोदी सरकार मुट्ठी भर पूंजीपतियों के पैर पूजने वाली मोदी सरकार 20 से 25 लाख करोड़ के कृषि उपज के व्यापार और कारोबार को 4 या 5 पूंजीपतियों की गोदी में सौंप देना चाहती है। छोटे छोटे दुकानदारों, आढ़तियों, मजदूरों, बटाईदारों, कामगारों और किसानों के पेट पर लात मारना चाहती है। मोदी जी, देश के किसानों द्वारा उठाई जा रही सीधे सीधे 6 सरल बातों का जवाब देश आपसे मांगता है और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से वो हम आपके समक्ष रखते हैं। जवाब दीजिए। नंबर 1, समर्थन मूल्य की समाप्ति के षड्यंत्र का। मोदी सरकार ने अनाज मंडियों को खत्म करने का कानून बनाया है। अगर अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी समर्थन मूल्य
पर किसान का अनाज खरीदेगा कौन? क्या मोदी सरकार और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 15 करोड़ किसानों के खेत से फसल खरीदने जाएंगे? यह अपने आप में संभव है। जब समर्थन मूल्य कोई देगा ही नहीं जो अनाज मंडी में मिलता है, तो फिर एमएसपी यानी समर्थन मूल्य मिलेगा कैसे, देगा कौन और मिलेगा कहां? किसान इस बात का जवाब मांगता है। दूसरा सवाल, जमाखोरों को खुली छूट क्यों दे दी? इस काले कानूनों में मोदी सरकार ने कालाबाजारियों और जमाखोरों को असीमित मात्रा में खाने पीने की वस्तुओं का भंडारण करने की ताकत दे दी है, यानी अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू नहीं होगा, जो जितना चाहे दालें, सब्जियां, प्याज, गेहूं, धान, बाजरा, सरसों, जो उनका भंडारण कर सकता है। जब किसान की फसल बाजार में आएगी तो उन्हें पौने दामों पर खरीदी जाएगी और बड़े बड़े धन्ना सेठ, काला बाजारी और जमाखोर उसका भंडारण कर आम जनमानस को अपने मन मर्जी के दामों पर उसे बेचेंगे। सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी, ऐसा क्यों? तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप एक देश और एक बाजार का सफेद झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल जाकर बेच सकता है, पर 86% देश के किसान के पास तो 5 एकड़ से कम जमीन है। उसमें भी 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ जमीन है। वो अपने जिले से बाहर फसल बेचने में सक्षम नहीं, वो अपनी फसल मंडी तक ले जाकर बेचने में सक्षम नहीं, वो दूसरे राज्यों में कैसे बेचेगा? जवाब सीधा है, धन्ना सेठ, काला बाजार, काला बाजारी और जमाखोर उसकी फसल ओने पौने दामों पर खरीदेंगे और फिर पूरे देश में जहां मर्जी हो वहां बेचेंगे। चौथा, मोदी जी, आपने खेती को पूंजीपतियों के हवाले क्यों कर दिया? मोदी सरकार ने कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाकर एक नई किस्म की जमींदारी प्रथा की शुरुआत की है, यानी 86% जो छोटे किसान हैं वो खुद के खेत में ही मजदूर बन जाएंगे और कंपनियां उनकी मालिक बन जाएंगी, और ना वो उनसे लड़ पाएंगे और ना वो उनसे मुकदमा जीत पाएंगे। 20 से 25 लाख करोड़ का खेती का कारोबार, खेती की उपज का कारोबार मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चला जाएगा, ऐसा क्यों? पांचवा, गरीब की राशन प्रणाली पर प्रहार क्यों किया और मंडियों के आड़ती मजदूर और कर्मचारियों को बेरोजगार क्यों किया? जब समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा ही नहीं जाएगा तो भोजन के अधिकार कानून में 86 करोड़ देशवासियों को राशन की दुकान पर राशन मिलेगा कैसे और देगा कौन? और यही नहीं, लाखों करोड़ों लोग मंडियों में ट्रांसपोर्टर, आड़ती, दुकानदार, कर्मचारी, मजदूर, इन सब का काम करते हैं, उनके रोटी और रोजगार का क्या होगा? और छठा और आखिरी, खेत मजदूर और बटाईदार का भविष्य अंधकार में क्यों कर दिया? इन तीनों काले कानूनों में कहीं भी खेत मजदूर और बटाईदार शब्द की चर्चा भी नहीं, वो कहां जाएंगे? और आज मोदी जी ने इन तीन काले कानूनों की चर्चा करते हुए, इन्हें सही ठहराते हुए मन की बात में मक्का की फसल की चर्चा कर डाली। आइए जानते हैं मक्का के किसान की हकीकत क्या है। देश में मक्का पैदा करने वाला किसान बदहाली के आंसू बहा रहा है। मक्का का समर्थन मूल्य है 1850 रुपया क्विंटल, पर आप बिहार के सीमांचल से मध्य प्रदेश तक चले जाइए, किसान को मिला 800 रुपया क्विंटल, 1850 रुपया क्विंटल की बजाय। मध्य प्रदेश से बिहार तक
उत्तर प्रदेश में, हरियाणा और पंजाब में किसान गुहार लगाते रहे पर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। एक षड्यंत्र के तहत मोदी सरकार मक्का के दाम गिराती रही और हद तो ये देख लीजिए कि मोदी सरकार ने विदेशों से मक्का की फसल की इंपोर्ट ड्यूटी, और चौंकिए मत, मोदी जी ने विदेशों से मक्का के इंपोर्ट की जो ड्यूटी है उसे 50% से घटाकर 15% कर दिया और 5,00,000 मीट्रिक टन सस्ता मक्का विदेश से मंगा लिया जब देश के किसान का मक्का बाजार में आ रहा था। इस प्रकार से पूंजीपतियों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया जा रहा है। हमारी सीधा कहना है, मोदी जी किसानों के साथ छल कपट और षड्यंत्र करना बंद कीजिए और पूर्वाग्रह छोड़ इन 3 खेती विरोधी काले कानूनों को खत्म करने के लिए सीधे मन से बात कीजिए। हमारी मांग है, नंबर 1, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 खेती विरोधी काले कानूनों को फौरी तौर से सस्पेंड करने की घोषणा करें। नंबर 2, किसानों के खिलाफ दर्ज 12,000 FIR बगैर शर्त के फौरी तौर से वापस लेने की घोषणा करें। नंबर 3, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं, जो उन्होंने आज मन की बात में इन 3 काले कानूनों को सही बताते हुए कहा, उसके लिए और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों को आतंकी बताने के लिए सार्वजनिक तौर से अपना बयान वापस लेते हुए माफी मांगे। नंबर 4, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं, लाखों किसान जो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल से बात करें। श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम आश्वस्त हैं कि मोदी सरकार के अहंकार को हराकर हम किसानों की आजीविका को सुनिश्चित करेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। Prime Minister's obduracy, Prime Minister's arrogance, Prime Minister's rigidity in dealing with 62 crore farmers and farm laborers of India is writ large by his insistence today in the Mann Ki Baat that the 3 anti-farmer, anti-agriculture laws forcibly passed in a illegal and unconstitutional fashion by Parliament are correct. For Prime Minister to say that these 3 laws are absolutely right, when lakhs and lakhs of farmers are sitting all around Delhi agitating, demanding their withdrawal, shows that Modi government is drunk with power and Prime Minister Shri Narendra Modi does not care about the welfare of farmers and farm laborers of India. It shows that a government drunk with power is rigid even in recontemplating and reconsidering the 3 anti-agriculture black laws. If Home Minister of India has time to travel 1200 kilometers to address a public meeting in Hyderabad, why does Shri Amit Shah not have time to go 15 kilometers to the border of Delhi and speak to the agitating farmers? Why is it that agriculture minister has taken out a date of 3rd December before which no conversation can be held? Have they consulted an astrologer for this purpose? What is the sanctity of 3rd December?
Why have 12,000 FIRs been lodged on the farmers? Why is it that no conversation is taking place, no dialogue is taking place with the farmers? Why are India's annadata, India's 62 crore farmers being branded as terrorists by Modi government as also the BJP chief ministers? Why is it that select news channels aided and abetted by Modi government are out to prove that 62 crore farmers are anti-national? Does this not show an absolute arrogance of power on part of Prime Minister and his government? Sorry, you wanted to ask. Sorry, say again, I didn't catch your question. I don't think so, that is correct at all. Our PCC president, our CLP leaders, our in charges are all on the ground fighting the election. And our units have always fought corporation elections to the best of their capacity and capability, and we are confident that people will accept and elect Congress party in Hyderabad, which is the principal opposition party and which carved out the state of Telangana. When BJP was opposing the carving out of the state of Telangana itself, the three anti-agricultural laws have opened an opportunity for four or five crony capitalist friends of the Prime Minister to grab the 20-25 lakh crore agriculture commodities market by subverting and subjugating the interest of farmers, farm laborers, the small grain merchants, the laborer work and the employees working in the grain markets across India. It tantamounts to finishing forever the minimum support price mechanism, which will be a death knell for the interest of the farmer. So Prime Minister wants to barter the interest of 62 crore farmers at the altar of four or five capitalist friends of his and ensure that 20 to 25 lakh crore commodity market is now controlled by his four or five crony capitalist friends. But Prime Minister has bitten more than he can chew, for he does not realize that when 62 crore farmers rise in unison, the Delhi Darbar will be unseated. And that is not a warning, that's a challenge to the Prime Minister. Thank you. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में कृषि विरोधी काले कानूनों को सही बताते हैं, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी किसानों के पास 15 किलोमीटर चलकर जाने से भी कतराते हैं। अमित शाह जी के पास 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद में चुनावी सभा तक जाने के लिए समय है, पर ठिठुरती सर्दी में सड़कों पर पड़े करहाते इस देश की माटी के सपूतों अन्नदाता किसानों से मिलने का समय नहीं। किसानों से बॉर्डर पर जाकर बात क्यों नहीं की जा सकती थी? बुराड़ी में ऐसा क्या है जो शंभू बॉर्डर पर नहीं हो सकता, यह दर्शाता है। और 3 दिसंबर का कौन सा मुहूर्त है बातचीत करने का? क्या किसी ज्योतिषी से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिसंबर की तारीख निकलवाई है वार्तालाप के लिए?
यह दर्शाता है कि मोदी सरकार अहंकार में डूबी है, सत्ता के नशे में चूर है और 20 से 25 लाख करोड़ के कृषि कारोबार को किसान की रोटी छीन, मजदूर के पेट पर लात मार, छोटे व्यापारी और आड़ती का धंधा खत्म कर, मंडी में काम करने वाले मजदूर की रोटी छीन, ट्रांसपोर्टर का व्यापार छीन, कर्मचारी का रोजगार छीन, वो 25 लाख करोड़ के व्यापार को पांच अपने दोस्तों को सौंपना चाहते हैं। ये देश की खेती का अपमान है, देश के किसान का अपमान है जो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं, और ये कभी स्वीकार नहीं होगा। वो ये जान लें, इसे चेतावनी मान लें कि जिसने भी देश के 62 करोड़ किसानों से जब जब दिल्ली के दरबार ने लोहा लिया है तो उस दरबार का तख्ता पलट हुआ है, और मोदी जी अब की बार लगता है कि बारी आपकी है।